स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट, राजा एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड क्रिकेट। अब इसमें हम देखते हैं कि राजा एंड हिज फ्रेंड्स आर सब्जेक्ट, वर्ब क्या है प्लेड और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं, तो ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस बन गया। अब इसमें वर्ब देखिए प्लेड। अब ये जो वर्ब प्लेड है, क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो राजा एंड हिज फ्रेंड्स जो खेल रहे हैं, क्या वो क्रिकेट पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि खेल खेला जा रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब। सो देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको रूल्स मालूम ही है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को की पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमने इंटरचेंज कर लिया, क्रिकेट पहले आ गया, तो क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब आया वॉज। वॉज क्यों आया? क्योंकि आप देखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब था प्लेड। तो प्ले के तीन फॉर्म्स होते हैं, प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड प्ले, थर्ड प्ले। तो सेकंड फॉर्म है प्लेड, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो हमें मालूम पड़ गया ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स या तो वॉज आएगा या वर आएगा, सिंगुलर प्ले वॉज और प्लूरल यानी बहुवचन प्ले वर। क्रिकेट ये एक गेम है तो सिंगुलर है, एकवचन है, तो वॉज है, तो क्रिकेट वॉज। और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म है प्लेड, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम। देम क्यों है? क्योंकि राजा और उसके दोस्त थे, खूब सारे दोस्त थे। यहाँ पे नाम नहीं दे रहे, यहाँ सब्जेक्ट हमारे लिए इमटेरियल है, अर्थहीन है। अर्थहीन इस सेंस में अर्थहीन है क्योंकि हम इस पर जोर नहीं दे रहे। हम जोर किस पे दे रहे हैं? क्रिकेट पे। हमेशा पैसिव वॉइस में वी ले एम्फेसिस ऑन दी ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द सब्जेक्ट। फॉर अस इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज पैसिव, ही इज इनएक्टिव। ओके, सो हियर राजा एंड हिज फ्रेंड्स, फॉर अस दे आर इनएक्टिव, वी आर नॉट लेइंग एम्फेसिस ऑन देम, वी आर लेइंग मोर एम्फेसिस ऑन क्रिकेट। क्रिकेट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बना क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम। तो आइए और फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता एंड गीता फ्लू रफाल जेट्स। अब इसमें हुआ था सब्जेक्ट सीता एंड गीता, व्हाट वर्क दे आर डूइंग, फ्लाई, दे आर फ्लाइंग, एंड व्हाट दे आर फ्लाइंग द ऑब्जेक्ट्स रफाल जेट्स। सो एक्टिवली दे आर डूइंग सम वर्क, सब्जेक्ट एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं सक्रिय रूप से, बिल्कुल कर रहे हैं। सो इट इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, हियर ए बी स्टैंड्स फॉर एक्टिव वॉइस एंड पी बी स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस। तो एक्टिवली दे आर इन्वॉल्व, बट व्हाट वर्क दे आर डूइंग, दे आर फ्लाइंग। तो क्या इस फ्लाई का इफेक्ट रफाल जेट्स को हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, रफाल जेट्स उड़ रहे हैं। सो This is flew is a transitive verb, और active voice वो भी transitive verb है उसमें, तो इसका मतलब उसको हम convert कर सकते हैं passive voice, क्योंकि ये primary condition है। क्या primary condition है? कि any active voice sentence having transitive verb can only be converted into passive. अगर active voice sentence में intransitive verb है तो उसको passive में convert नहीं कर सकते। तो ये active voice transitive verb है, तो आइए convert करते हैं। अब पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? पहला रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज पोजीशन करते हैं, तो रफाल जेट्स पहले आ जाएंगे। तो रफाल जेट्स, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वर। अब वर क्यों आ रहा है? तो एक्टिव वॉइस का अपन वर्ब देखते हैं फ्लू। अब ये एक वर्ब है फ्लाई, फ्लाई के तीन फॉर्म्स होते हैं, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फ्लू, एंड थर्ड फॉर्म फ्लोन। तो ये फ्लू है, दैट मीन सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का, ये पास्ट टेंस है, तो इससे मालूम पड़ गया हमें पास्ट टेंस है। और रफाल जेट्स एक नहीं बहुत सारे, बहुवचन है, प्लूरल, तो प्लूरल में हमेशा वर लगता है, तो रफाल जेट्स वर। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ गया? क्या होगा? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो फ्लोन आ गया। तो रफाल जेट्स वर फ्लोन बाय देम। देम क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा है, तो रफाल जेट्स वर फ्लोन बाय देम। तो ये पैसिव वॉइस है। अब इसी तरह अपन थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। I slice cassava root. Slice का मतलब होता है काटना। So I मतलब मैं, slice मतलब काटना है, क्या? Cassava root. Cassava root एक क्रॉप है,
एक रूट क्रॉप है तो उसको काटा जाता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब इज स्लाइस एंड ऑब्जेक्ट इज कसावा रूट। तो यहां पे सब्जेक्ट एक्टिवली कोई काम कर रहा है? यस कर रहा है। क्या काम हो रहा है? स्लाइस। और क्या स्लाइस का इफेक्ट कसावा रूट पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। क्यों, क्या हो रहा है? कसावा रूट वो स्लाइस हो रहे, कट रहे हैं, ठीक है, पीसेस में कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्लाइस क्या है? हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और साथ में इसमें ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे रूल को फुलफिल कर रहा है। तो आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके रूल्स आपको ध्यान में है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज द पोजीशन। तो कसावा रूट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब पहले आ जाएगा, आए बाद में आएगा सेंटेंस के। तो पहले लिख देते हैं कसावा रूट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज। अब इज क्यों आया? क्योंकि अगर अपन एक्टिव वॉइस का वर्ब देखेंगे स्लाइस, स्लाइस के थ्री फॉर्म्स होते हैं। स्लाइस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है स्लाइस्ड एंड थर्ड फॉर्म है स्लाइस्ड। ईडी लगता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म आपको मालूम है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो कसावा रूट इज आएगा। इज क्यों आएगा? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं इज, एम, आर, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए आता है इज और एम, और प्लूरल के लिए आता है आर। तो यहां कसावा रूट है, तो कसावा रूट इज एक वचन है इसलिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लाइस्ड, एस एल आई सी ई डी, ई डी लग गया, तो स्लाइस्ड बाय मी। अब आई कन्वर्ट हो गया मी में, जैसे दे हो जाता है देम में, बी हो जाता है अस में, तो आई कन्वर्ट हो जाता है मी में। सो कसावा रूट इज स्लाइस्ड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। अब अपन देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एग्जाम्पल, दे ड्रैंक मैरिड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें है दे, वर्ब क्या हुआ? ड्रैंक। क्या काम हो रहा है? ड्रैंक, कुछ पी रहे, और ऑब्जेक्ट इज मैरिली, बहुत खुशी से पी रहे। ओके, तो क्या ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है? बिल्कुल, दे काम कर रहे हैं, दे सब्जेक्ट है, खूब सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो गया। हमने ये भी लिख दिया क्या काम कर रहे हैं, पीने का काम, ड्रैंक। ये पास्ट टेंस में काम हुआ है क्योंकि ड्रिंक के थ्री फॉर्म्स होते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हमें मालूम पड़ गया ये सेकंड फॉर्म है, यानी बीते हुए कल में उन्होंने पिया था, और मेरे लिए मतलब खुशी से पिया था। तो अब आप देखिए कि क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है या नहीं। तो ड्रैंक मेरिली, यहां पे हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि ड्रैंक का, पीने का असर किसी पे पड़ रहा है, कोई चीज खत्म हो रही है, ये नहीं मालूम पड़ रहा। तो इसका मतलब ये ड्रैंक क्या है? ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। और आपको मालूम है सबसे मेन कंडीशन ये होती है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर ट्रांसिटिव वर्ब होता है तो ही वो पैसिव में कन्वर्ट होता है। यहां पे ड्रैंक इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। एनी एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, तो इसलिए हमने पैसिव वॉइस इसका नहीं बनाया। अब फिफ्थ सेंटेंस आप देखते हैं, मोहन ग्रू वीट एंड बाजरा। मोहन इज अ सब्जेक्ट, वो काम कर रहा है इसलिए वो सब्जेक्ट है। वर्ब इज ग्रू, ग्रू मींस उगाना, एंड क्या उगाया? ऑब्जेक्ट इज वीट एंड बाजरा, दे आर द क्रॉप्स। ओके, सो नाउ व्हाट वर्क इज बीइंग डन ऑफ ग्रू। अब ग्रू किसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं? ये ग्रो के, ग्रो का फर्स्ट फॉर्म होता है ग्रो, सेकंड फॉर्म होता है ग्रू, और थर्ड फॉर्म होता है ग्रो। सो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। तो यहां पे ग्रू यानी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में ये काम हुआ है, ये हमें मालूम पड़ गया है। पर क्या ये ग्रू ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है? ये देखिए, मोहन ने कोई काम कर रहा है उगाने का, क्या उसका असर वीट एंड बाजरे पे पड़ा? यहां पे बिल्कुल पड़ा, दिख रहा है कि वो उग रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और साथ में ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे वीट एंड बाजरा को हमने पहले ले लिया सब्जेक्ट की जगह, तो वीट एंड बाजरा वर। अब वर क्यों आया हेल्पिंग वर्ब? वो इसलिए आया क्योंकि अगर आप ये ग्रू देखते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो ग्रू सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आपको मालूम है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में लगता है, तो यानी ये एक्टिविटी सारी पास्ट टेंस में हुई थी। और पास्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वाज और वर, सिंगुलर यानी एकवचन के लिए वाज, और प्लूरल यानी बहुवचन के लिए वर।
तो यहाँ वीट एंड बाजरा एक से ज्यादा क्रॉप है, यानी बहुवचन यानी प्लूरल है, तो वर लगेगा। सो वीट एंड बाजरा वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ग्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन। सो द थर्ड फॉर्म इज ग्रोन बाय, मोन की जगह हमने लिखा के, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मोन ही मटेरियल है, इनएक्टिव है, वो पैसिव है। वी आर लेइंग एम्फेसिस मोर ऑन वीट एंड बाजरा, सो दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, वीट एंड बाजरा वर ग्रोन बाय हे। सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू कन्वर्ट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस। और इसमें हमने देखा है कि रूल, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो ही हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका इफेक्ट ऑफ द एक्टिविटी इज पास्ड ऑन टू द ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड चीज हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। फोर्थ चीज हमने ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब, आप एक्टिव वॉइस के वर्ब को देखिए कौन से टेंस का है, उस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज एम आर या वाज वर्ब। अगर इज एम सिंगुलर है तो इज एम लगेगा, और प्लूरल है तो आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर लगेगा। और साथ में इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और साथ में हमारे पास्ट टेंस में सब्जेक्ट इनएक्टिव है इसलिए उस पर जोर नहीं देते, वो पैसिव हो गया, इसलिए पैसिव वॉइस सेंटेंस बनता है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू ये सेंटेंस समझ में आ गए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट करें, और साथ में इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप उसे जरूर करिए, इट विल रीइंफोर्स योर नॉलेज। सो थैंक यू।